31 अपॉन में 24
आर की वैल्यू कितनी, 10, 10/100। तो जो डेटा कट होगा उसको हम लोग कट कर लेंगे, बाकी तो सॉल्व करना ही है। तो देखिए क्या आएगा, 100 से ये वाला 100 कैंसिल, 6 से कैंसिल हो जाएगा 4, एक बार 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 5, और एक 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 15। तो नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो डेटा क्या बचा अपना, तो इंटरेस्ट हमारा आएगा 75 × 31। इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 75 1 से करेंगे तो, और 3 से करेंगे तो 5 2 3 2 3 2 5, ये डेटा हमारा निकल करके आ जाएगा। जब ये निकल करके आए तो अभी इंटरेस्ट आया, लेकिन निकालनी क्या अपने बच्चों, मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है, मैच्योरिटी एक तरीके से। तो एमवी क्या हो जाएगा, 600 × 30 + का आई 18,000 + आई, आई की वैल्यू कितनी है, 2 3 2 5, तो 18,000 + 2 3 2 5 को अगर हम लोग ऐड करें 5 2 3 0 और 1 1 2, 20,325 रुपीस। ये आपकी आई है एक तरीके से क्या, मैच्योर्ड वैल्यू एमवी आया निकल करके। नोट कर लीजिए एक बार, ये आपका एमवी आ चुका है। एमवी के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज किया, P × N + I, और जब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या निकल गया, P × N (N+1)/24 × R/100। इंटरेस्ट बाद में हम लोगों ने निकाला, तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले का यूज किया और उसको जाकर के एमवी में P × N में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। P × N क्या होता है बच्चों, ये होता है टोटल प्रिंसिपल। जो टोटल प्रिंसिपल आपने जब तक डिपॉजिट किया है, जब तक इंटरेस्ट नहीं निकला है, उसकी बात करिए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हनीफ है द कुमुलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। इफ ही गेट्स रुपीज 5,880 as the interest at the time of maturity, then find the rate of interest. R find करना है, ठीक है? R की value हम लोग find कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग data को find कर लेते हैं। यहाँ पे P दिया गया है रुपीज 600 per month। For a period of 4 years. N दिया गया 4 इयर्स, फोर इंटू 12 48 मंथ्स। इफ ही गेट्स रुपीज 5,880 एज इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर फाइंड करना है, ठीक है ना, हमें आर फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहली चीज तो इंटरेस्ट दिया गया, तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला हमें पता है क्या है, P × N (N+1)/24 × R/100। अब इसमें हम पूरा डेटा पुट कर लेते हैं, तो पूरा डेटा पुट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 5,880 इक्वल पी की वैल्यू है 600, एन की वैल्यू दी गई 48 × 49 / 24 × आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहां पे जरूर हंड्रेड आ जाएगा। क्या इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100 से ये 100 हो जाएगा कैंसिल आउट, 24 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स,
तो आएगा क्या 5880 इक्वल टू 98R। तो 98 में क्या ये एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 7 कैंसिल होगा, 7 8 56, 7 4 28, तो 7 से तो कैंसिल हो रहा है इजीली, तो 7 से कट कर लेते हैं, 7 से कैंसिल होगा 14 टाइम्स में, 7 में से कट हो जाएगा 840 आ जाएगा, फिर ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा इस तरीके से तो 60, और ये बेटा 6 बचा हुआ है, अभी 9 में 6 था ही, तो ओवरऑल डेटा क्या है देखिएगा ध्यान से, 60 इक्वल टू आ जाएगा 6R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 60/6, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। नोट कर लीजिए इस चीज को, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 10%, और यही हमसे कहा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 10%। तो आई होप आपको आज ये अलग क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से। डेविड ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीज 300 पर मंथ। यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है वो दिया गया 300 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना दिया गया 2 ईयर्स, यानी कि 2 into 12, यानी कि 24 मंथ्स की बात करी गई है यहाँ, 24 मंथ। इफ ही रिसीव्ड रुपीज 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि टोटल में एमवी दिया गया है वो कितना है रुपीज 7725 रुपीस। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर हमें फाइंड करना है। चलिए इसको निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप डेटा को फॉलो करके। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एमवी का फॉर्मूला यूज कर लो। एमवी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एमवी इक्वल पी इनटू एन प्लस आई। तो एमवी क्या हो जाएगा 7725 इक्वल पी की वैल्यू कितनी है 300 इनटू 24 प्लस आई। तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7725 माइनस 7200, तो इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 525 रुपीस। इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 525 रुपए, कितना आ जाएगा 525 रुपीस। अब जब 525 रुपीस केवल इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और फॉर्मूला यूज जैसे ही करेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100, आई की वैल्यू 525, पी की वैल्यू हो जाएगी 300, एन की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 25 अपॉन 24, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी आर तो निकालना ही है कौन में 100, 24 से 24 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 25 से इसको कैंसिल करके देख लेते हैं एक बार, 25 टू जा 50 और ये आ जाएगा 3, तो 21 इक्वल टू आ जाएगा ये 3R, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 7%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है डेटा
तो कितना आ जाएगा 7%। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, यानी कि जो आर की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी 7%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर 7%। और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी निकालनी है।
यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू भी निकालनी है। ये दो चीजें हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहली चीज तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लो, पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100। तो इंटरेस्ट वैल्यू है कितनी, 1200। P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 25 अपॉन में 24 इंटू आर, आर की वैल्यू दी गई ना 6 अपॉन में 100। तो इसको देखिए कट करके 24 से 24 कैंसिल, 25 से आ जाएगा 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 3, 3 से जब इधर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 का 12 यानी कि 400। तो P हमारा आ जाएगा 400 इंटू 2 यानी कि जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 800 रुपीस, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट आई निकल करके हमारी वो कितनी आ गई 800 रुपीस। ये आ गई हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी क्या आ गई 800 रुपीस। अच्छा, इस मंथली इंस्टॉलमेंट के बाद भी एक चीज पूछी गई है, द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या आ जाएगी, यानी कि अगर हम बात करें एमवी की, तो एमवी बच्चों यहां पे आ जाएगा पी इंटू एन प्लस का आई। अच्छा, पी इंटू एन प्लस आई क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू देखें क्या है, पी की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 800 इंटू 24 मंथ्स प्लस का 1200, ये आ जाएगा 24 इंटू 8 192। प्लस 1200 20,400 रुपीस, ये आ गया हमारा एमवी का डेटा, यानी कि एमवी के लिए जो आंसर आया मैच्योर्ड वैल्यू के लिए वो कितना आ गया 20,400 रुपीस। एक बार इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन पे, सारू को ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीस 800 पर मंथ फॉर 1.5 इयर्स, इफ ही रिसीव्ड 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बिल्कुल सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है, तो बस आपको करना क्या है इसको बहुत अच्छे से ट्राई करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या है, डिपॉजिटेड रुपीज 800 पर मंथ, यानी कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सही कर लेते हैं, प्रिंसिपल गिवन है बच्चों हम लोगों को यहाँ पर 800 रुपीस पर मंथ और टाइम दिया गया 1.5 इयर्स, 1/2 इयर्स, तो उधर 18 मंथ्स। इफ ही रिसीव्ड, यानी कि अमाउंट आपको दिया गया है, अमाउंट बोल दो बच्चों या प्रिंट मैच्योरिटी वैल्यू बोल दीजिए, दैट इज आल्सो एमवी, ये तो पता ही है। बहुत सारे क्वेश्चन में मैं अभी तक बोल चुका हूं और कई बार बता भी चुका हूं आपको कि हो जाएगा एमवी, एमवी कितना हो जाएगा 15,084 रुपीस। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो कैसे करेंगे इसको, आइए चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट आर की वैल्यू निकालनी है, अमाउंट दिया गया है, तो एमवी का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या होता है, एमवी इक्वल पी इंटू एन प्लस आई, तो आई हमारा क्या आ जाएगा एमवी माइनस पी इंटू एन, एमवी की वैल्यू कितनी है 15,084
माइनस पी 800 इंटू 18 41n plus n square, तो
एन स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इक्वल टू जीरो। अच्छा एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन और करा लेते हैं, 2 इंटू ये 1 में करेंगे तो 2 आएगा 1, 36 1 37 और 3 99, ठीक है। तो 241 हमें लाना है, तो 241 कैसे आएगा ये एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ नहीं करते ज्यादा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 277 इंटू 36 1662, 3 का करें 2799, यानी कि 277 और 36 इसके फैक्टर बनेंगे। 277 और 36 इसके क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। तो यानी कि मैं इसको लिख दूं कुछ इस तरीके से, n स्क्वायर प्लस 277n माइनस का 36n माइनस 9972 इक्वल टू जीरो। बच्चों को लग रहा होगा सर ने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, बच्चों के कैलकुलेशन का पार्ट है और ये जब तक आप अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। मुझे देख करके कुछ ऐसा समझ में आया कि हाँ अगर ऐसा करें, देखो पहली बात तो यहाँ पे सब माइनस था तो सब्ट्रैक्ट करने पे लाना था, और ऐसे दो नंबर थे जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 9972 बने। अब यहाँ से n अगर कॉमन करें, n प्लस हो जाएगा 277 माइनस का 36 कॉमन किया जाए, n प्लस 277 इक्वल टू जीरो, n प्लस 277 आ जाएगा, n माइनस 36 आ जाएगा। अच्छा इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, n प्लस 277 से वो तो नेगेटिव आएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 मंथ्स या 3 इयर्स भी मैं इसको बोल सकता हूँ। इसको क्या बोला जा सकता है? 3 इयर्स। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। सीधे आते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट 600 पर मंथ, तो जो प्रिंसिपल आपको दिया गया है वो दिया गया 600 रुपीज पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 इयर्स। एन की वैल्यू हो जाएगी 5 × 12 यानी कि 60 मंथ ऑफ 10% पर एनम। तो आर की वैल्यू है 10%। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एम भी पूछा गया है। तो पहले तो आई निकाल लो, तो पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 24 इंटू आर अपॉन 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया 4, 2 से कैंसिल हुआ ये 5, 2 से कैंसिल हुआ ये 30, 150 इंटू 61 15 इंटू 115 आएगा, तो 5 आ गया, 1 आउटसाइड हो गया, 90 और ये आ जाएगा 91 यानी कि 9150 रुपीस ये आ जाएगा। तो एम बी क्या आएगा निकल करके हमारा मैच्योरिटी वैल्यू, ये हो जाएगा पी इंटू एन और प्लस का आई। फिर प्रिंसिपल दिया कितना गया है बच्चों, 600 इंटू 60 प्लस 9150 36000 9150 आ जाएगा 1545150 रुपीस, ये आ जाएगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। ये क्या आ जाएगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसी लेक्चर के साथ, इस लेक्चर नंबर 2 के साथ ही हम लोगों का जो बैंकिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आएंगे किसी नए चैप्टर के साथ, और बेसिकली आपको अब तक तो पता ही चल चुका होगा कि ये यूट्यूब चैनल है ICSE 10th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ही
बनाया गया है। तो हमारे बाकी बोर्ड्स के बच्चे परेशान ना हो, निराश ना हो, उनके लिए भी बहुत जल्द हम लोग लेकर के आएंगे कुछ ना कुछ। तो और आप जान चुके हैं, मैं हूँ दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और हम लोग मिल रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म को, उस प्लेटफॉर्म का नेम क्या बच्चों, साउथ सिटी PCMB। अगर आप वीडियो के थ्रू हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, और जितने भी लेक्चर हैं हर एक वीडियो को आप एंड तक जरूर देखा करें। हमारे कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें लगातार अपलोड हो रही हैं, तो हमारे साथ लगातार आप जुड़ते रहिए। और जैसा कि कहा गया था स्टार्टिंग में इसके लॉन्च पर कि सिलेबस आपको फुल कराया जाएगा, तो फुल सिलेबस ही कराया जाएगा, कोई झूठे वादे नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा अंडर वन रूफ। तो अंडर वन साउथ सिटी PCMB सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। और भैया अगर आप तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।